कुछ हम पेपर के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि इस बार बोर्ड के पेपर में पेपर कोड है 822, पेपर कोड है 822 और MW, ये पेपर का कोड है। इसमें एक प्रश्न आया है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो किसका मान निकालने कह रहा है, टैन ए का मान निकालने को कह रहा है। तो ये जैसे कि इस बार का यानी सन 2020 के उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये 822 MW का मॉडल पेपर है, इसमें साइन ए बराबर 4/5 है तो टैन ए का मान पूछ रहा है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, बस वही पुरानी मेथड से आप यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन यहाँ चाहे थीटा रहे, चाहे फाई रहे, चाहे साई रहे, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, कुछ भी रहे, साइन अपने एक मुखिया को जोड़ता है। तो साइन का फार्मूला हम सभी जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना ली, अब इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो लंब का मान कितना है 4, 4 रख देंगे। कर्ण का मान कितना है 5, 5 रख देंगे। अब कौन सी भुजा हमको निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो सूत्र हम कौन सा प्रयोग करेंगे, वही सूत्र प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब को हम किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, आधार को ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर, अब ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 4, यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, 25 में 16 गए 9, ये आया आधार का स्क्वायर का मान। जब आधार का मान हम निकालेंगे तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो आधार का मान मालूम हो गया 3। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमको मालूम हो गया, लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, टैन ए का मान पूछ रहा है। ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, जब तो हम निकालेंगे टैन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब तुम्हारा कितना था 4 था, आधार कितना तुम निकाले हो 3, तो इस प्रकार से टैन का मान निकल गया 4/3। तो कितना आसान था, आप लोग भी कोशिश करिए और छोटे छोटे क्वेश्चन को करिए, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को एक देने चल रहे हैं और आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग जरूर से जरूर हल करिए। कौशिक क्वेश्चन लिखिए, कौशिक थीटा बराबर 2/3/5। तो ये क्वेश्चन है, यदि कौशिक थीटा बराबर 2/3/5 तो टैन थीटा और कॉस थीटा, इसका मान निकालना है, टैन थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा का मान निकालना है। और ये पेपर आया है कहाँ, इस साल आया है, इसी साल के 822 MZ में। पेपर कोड क्या है, 822 MZ में आया है। यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/3/5 तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालिए। कितने नंबर का आया है, 2 नंबर का आया है। तो कितना सरल रहेगा, इसको कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, आप ऐसे करें कि कॉसेक थीटा बराबर इसको सही बटे में है जो है इसको सही कर लीजिए, 5 × 10 = 13, 13/5। तो कॉसेक थीटा बराबर 13/5 हो गया। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब आप एक त्रिभुज बना लीजिए, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
जिसमें कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे आधार का मान। जब आधार निकल जाएगा हम टैन का फार्मूला रख के टैन थीटा निकाल लेंगे और कॉस थीटा फार्मूला लिख के कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो ये आप लोगों के घर का काम है, आप लोग इसको करिए और इसी इसी वीडियो में हमको कमेंट करके बताइए कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।